हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। ओपनिंग की बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स मैंने बना दी है। कुछ नया करने को सोच रहा हूँ और आज स्पेशली जो एडवांस लेवल के प्लेयर हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम कुछ पोजिशंस देखेंगे जहाँ से कैसे खेलना होता है, एंड गेम पोजिशंस प्लानिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो आपके लिए। ओके दोस्तों, प्लानिंग के बारे में मैं बताऊंगा आपको, कैसे ओपनिंग के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको प्लानिंग करने होते हैं। सबसे पहले हम एक गेम इंग्लिश ओपनिंग के बारे में मैं दिखाऊंगा। ओपनिंग यहाँ पे ओपनिंग मायने नहीं रखती, प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश ओपनिंग में C4 होता है, मेन लाइन में E5, उसके बाद व्हाइट खेलता है Knight C3, ब्लैक रिप्लाई देता है Knight F6, Knight F3 के सामने Knight C6, ये कॉमन मूव्स है इंग्लिश ओपनिंग में। D4, यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन, नाइट टेक्स पॉन। अब सबसे जो बेस्ट चॉइस कौन सी है यहाँ पे आपको, तो आप गेस कीजिए कि यहाँ ब्लैक से अगर आपको खेलना है तो बेस्ट मूव कौन सी होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ज़्यादातर लोग Bc4 Bc5 बता रहे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेस्ट चॉइस है Bc4। वाइट रिप्लाई देगा Knight Takes C6, D Takes C6 और उसके बाद G3। ये इंग्लिश ओपनिंग में Bc2 बाहर निकालने का एक प्लान रहता है। चलिए यहाँ पे हम प्लान करेंगे, पहले कौन सा मूव करना चाहिए। अभी आप लोग जस्ट सोचोगे तो सभी लोग ज़्यादातर Bc6 बता रहे हैं। Bc6 इसलिए गलत है क्योंकि नेक्स्ट मूव में Qa4 डबल अटैक के साथ में अपना पॉन भी सेव कर लेगा और पीसेस एक्सचेंज भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो अनसपोर्टेड बिशप है उसे पहले हम Qe7 सपोर्ट देंगे, उसके बाद व्हाइट रिप्लाई देगा Bc2 और अब आपका मूव आएगा Bc6। यहाँ पे ये प्लानिंग है, वीकनेस जो है C4 पॉन के ऊपर अटैक। व्हाइट यहाँ पे B3 से सपोर्ट नहीं कर सकता है क्योंकि Bc Takes Knight चेक के साथ लॉस्ट। तो यहाँ पे एक ही बेस्ट चॉइस होती है, Qd3। अब आपको बेस्ट चॉइस बताऊंगा D4, पॉन टेक्स पॉन अगर किया तो यहाँ पे आपको सिंपल क्वीन मिल रही है, तो B3 यहाँ पे पॉन को डिफेंड करने का बेस्ट चांस। अब यहाँ बेस्ट चॉइस मिडल गेम आ गई है, यहाँ पे आपको खुद सोचना है कि क्या खेलना चाहिए, और सबसे बेस्ट चॉइस थी इस गेम में D4। आफ्टर Qd4, Rd8, Bc6, King F8 और क्वीन कहीं भी जाए, यहाँ पे Bc Takes Knight के बाद रुक भी मिल रहा है, मेट की थ्रेट भी है। अगर इस पोजीशन में व्हाइट ने Bd5 किया तो फिर तुरंत ही आप रुक सेक्रीफाइस करके गेम जीत रहे हो, क्योंकि पॉन टेक्स रुक किया तो डायरेक्टली मेट, और क्वीन टेक्स रुक में आपको सिंपल Knight Takes Queen मिल गई। तो ये गेम थी इंग्लिश ओपनिंग। तो इस प्रकार की ओपनिंग्स में आप इस प्रकार के मूव ऑर्डर पहले कौन सा करना चाहिए ये आपको देखना है। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि जब आपको इनिशिएटिव मिल जाए अटैक का, तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो ज़्यादातर लोग शॉर्ट कैसलिंग करके गेम को डिफेंड कर लेते हैं। ये गेम इक्वलाइज है, लेकिन वाइट की साइड स्लाइट एडवांटेज आप देख सकते हो। शॉर्ट कैसल के बदले यहाँ पे अगर आप Bc6 अब खेलते हो तो आप देख सकते हो कि किसको ज़्यादा एडवांटेज है। यहाँ पे ब्लैक को स्लाइट एडवांटेज है। चलिए दूसरी पोजीशन देखते हैं आपको दोस्तों। ये जो पोजीशन आपके सामने है एक बहुत ही ब्रिलियंट गेम की पोजीशन है। इस पोजीशन में सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लैक विनिंग है, क्लियर कट विनिंग, और ग्राफ में भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 पॉइंट से ज़्यादा प्लस है, यानी ब्लैक इज विनिंग। और वन मूव में पॉन प्रमोशन और उसके बाद व्हाइट के पास कुछ होप नहीं है। लेकिन इस गेम में जो प्लेयर ने खेला है वो मैं आपको बताऊंगा कितने बढ़िया बढ़िया क्वीन के मूव्स किए। सबसे पहले रुक चेक, किंग के पास ओनली ऑप्शन है F5,
उसके बाद यहाँ पे दिस सेवन। अब आइडिया बिहाइंड दिस मूव मेट इन वन। अब ब्लैक के पास ओनली एक ही ऑप्शन है किंग जी एट। व्हाइट ने खेला है यहां पे रुक ई एट। ब्लैक रिप्लाई किंग एच सेवन और यहां पे रुक टेक्स नाइट। अब आई ब्लैक की बारी, ना कोई चेक है तो सिंपली ब्लैक पॉन प्रमोशन और क्वीन। अब यहां से शुरू होता है व्हाइट के परफेक्ट स्टेप, जहां पे व्हाइट ने बहुत मेहनत करके बहुत सोच के खेले हैं रुक सैक्रिफाइस। उनके चेक चेक फोर्स मूव है किंग टेक्स एच एट देन डी एट क्वीन चेक। अब के जो मूव है वो ज्यादा समझने लायक है। अब वीडियो पोस्ट करके खुद के मूव यहाँ पे सोच सकते हो कि क्या खेला होगा व्हाइट ने। चलिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा सबसे बेस्ट चेक। चेक ही देना है आपको क्योंकि ब्लैक के पास मटेरियल ज्यादा है, क्वीन बिशप और फोर पॉन है अभी भी, लेकिन कंटिन्यूस चेक ब्लैक के किंग की पोजीशन जो प्रॉब्लम में है इसी का फायदा व्हाइट को मिलता है। क्वीन सी सेवन फर्स्ट चेक क्वीन सी सेवन। अब ब्लैक के पास ओनली ऑप्शन है किंग एच सिक्स, अदरवाइज क्वीन जी सेवन चेकमेट। उसके बाद क्वीन टेक्स एफ फोर चेक, ब्लैक किंग एच फाइव और क्वीन जी फाइव चेकमेट। तो यहां पे ब्लैक के पास ओनली ऑप्शन रहेगा किंग एच सेवन। अब यहां से कैसे चेक देना है, अब देखना है क्वीन टू एच टू चेक। ब्लैक के पास ओनली ऑप्शन है किंग जी एट, अगर यहां पे ब्लैक ने मान लो कि क्वीन इंटरपोज किया तो फोर्स मेट है क्वीन सी सेवन चेक, इफ गोज एनीवेयर इन टेन क्वीन टू चेक। तो ये पोजीशन में क्वीन इंटरपोज नहीं होती तो किंग जी एट ओनली ऑप्शन है। उसके बाद यस क्वीन बी एट चेक, फोर्स मूव है किंग के पास एच सेवन देन क्वीन टेक्स एच ए सेवन चेक। वन मोर टाइम किंग एच सिक्स और यहां पे आप एक और पॉन दे दोगे क्वीन टू ई थ्री चेक। अब आप देख सकते हो कि यहां भी किंग जा नहीं सकता तो किंग एच सेवन फोर्स ऑप्शन है और उसके बाद यहां पे एक और चेक वो देना है क्वीन एच थ्री से जो किंग के मूव से सामने वाले की वो ऐसे कराना है किंग बी एट देन क्वीन सी एट चेक किंग एच सेवन क्वीन डी सेवन चेक। अब ये एक नया रूप, किंग के पास ओनली ऑप्शन है एच सिक्स अदरवाइज क्वीन जी सेवन चेक मैट। उसके बाद क्वीन एच थ्री चेक फिर से। अब आप देख सकते हो कि फोर्सफुली क्वीन को बीच में लाना पड़ेगा क्वीन एच फाइव और यहां पे एक और चेक क्वीन टू ई। ब्लैक के पास रिप्लाई है ओनली जी फाइव अदरवाइज चेकमेट है बाकी सारे मूव में और उसके बाद क्वीन टेक्स डी थ्री और यहां पे ब्लैक आ जाएगा जुगजोंग में क्योंकि किंग मूव नहीं कर सकता कहीं भी। पॉन अगर मूव किया मान लो कि तो यहां पे आपको सिंपल क्वीन चेक किंग एच सेवन क्वीन चेक किंग एच सिक्स एंड क्वीन जी सिक्स चेक। मान लो कि उसने पॉन मूव नहीं किया, इस पोजीशन में क्वीन का वेटिंग मूव किया तो एक और चेक देना है आपको ताकि फोर्सफुली क्वीन इंटरपोज हो जाए और फाइनल मूव जो है वो क्वीन एफ फाइव और ब्लैक रिजाइन क्योंकि सभी मूव में ब्लैक की मेट हो रही है, क्वीन कहीं भी जा नहीं सकती। क्वीन अगर डी एट जाता है तो क्वीन जी फाइव चेक देन किंग एच सेवन एंड क्वीन टू जी सेवन चेक में।
और क्विन ने मूव किया, मान लो कि इसने पॉन चलाया तब भी यही पोजीशन होगी। क्वीन f4 चेक, किंग गोज h7, क्वीन चेक, किंग के पास ओनली ऑप्शन है जो कि सभी ऑप्शन में चेकमेट हो रहा है। तो ये ब्रिलियंट गेम थी, बहुत देखने लायक थी। इसमें ब्लैक जीत रहा था, लेकिन व्हाइट ने जो क्वीन के मूव्स किए स्टेप बाय स्टेप, ये गेम में खेलने में यही कुछ सीखना है कि हमको क्वीन कब कहाँ खेलनी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको दो बड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। एक तो आपको गेम में प्लानिंग कैसे करना है, मूव ऑर्डर कब कौन से करने हैं ओपनिंग से मिडल गेम के बाद, और दूसरी जो मैंने बताई क्वीन की मूवमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है एंड गेम में। तो कई गेम लूजिंग गेम आप कन्वर्ट कर सकते हो विनिंग में। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, जय गुजरात।